हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो गेम दिखाने जा रहा हूं वो काफी बेहतरीन अटैकिंग गेम है, तेज तर्रार गेम है, जिसकी फरमाइश जो है मुझे कल ही जेकोब टेनिशन ने की थी। मैंने वो गेम देखी, यकीन मानिए जस्ट अनबिलीवेबल गेम है। सो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। जहाँ पे व्हाइट साइड से खेल रहे हैं नर्सिको दुबलन मार्क जो कि जीएम है, सामने है वाइटली बेर्नास्की, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में जो है कोई दिक्कत होती है तो। सो आइए शुरू करते हैं गेम, जहाँ पे व्हाइट ने गेम की शुरुआत की d4 से। एंड बाय द वे गेम जो है 2019 में खेली गई थी। एंड नाउ ब्लैक ने डिक्लेयर किया नाइट टू f6, c4 एंड नाउ g6। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर वो d6 स्ट्रक्चर के लिए जाता है आगे अगर ब्लैक, तो वो जो है किंग्स इंडियन डिफेंस, या फिर अगर वो जो है नाइट c3 यहाँ पे व्हाइट रिप्लाई देता है। एंड देन अगर हम जो है d5 खेलते हैं देन इट्स अ क्वीन डिफेंस। इस पोजीशन में व्हाइट ने रिप्लाई दिया f3 एंड नाउ बिशप टू g7 e4 नाउ कैसलिंग शॉट नाइट टू c3 एंड नाउ c6। जबकि वहां पे जो है d6 ज्यादा खेला जाता है एंड विथ एन आइडिया लाइक अगर आप बिशप e3 के लिए जाते हो देन सिंपली जो है वहां पे c5 आ जाएगा। बट हमारे गेम में चलते हैं जहां पे नाइट टू c3 के बाद खेला गया c6 एंड नाउ बिशप टू e3 d6 एंड नाउ नाइट g2 e2 a6। सो a6 का आइडिया हमें आगे चल के जो है हमें b5 करना है। यहाँ पे व्हाइट ने c5 करके वो आइडिया फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया है। बट नाउ नाइट b2 d7 एंड नाउ c takes ऑन d6 e takes ऑन d6 एंड नाउ नाइट टू g3। जबकि उधर जो है नाइट टू f4 ज्यादा खेला जाता है एंड उसके बाद जो है ब्लैक b5 खेलता है एंड आफ्टर बिशप टू e2 सिंपली बिशप टू b7 और बाद में जो है कैसल के बाद c5 ब्रेक के लिए ट्राई करता है। और ये गेम जो है दोस्तों तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट हमारी गेम में ई कैप्चर्स ऑन d6 के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन में नाइट टू g3 खेला गया एंड नाउ b5 बिशप टू e2 एंड नाउ c5 कैसलिंग शॉट एंड नाउ c takes ऑन d4 और यहाँ पे बिशप कैप्चर्स ऑन d4 खेला गया। से आप ट्राई करते हो क्वीन टेक्स ऑन d4 की, देन क्या होगा दोस्तों नाइट टू g4 जो है वहां पे काफी अच्छा है क्योंकि क्वीन आपको मूव करनी लगी, बिशप का अटैक है। अगर आप कैप्चर करते हो पोन को देन बिशप फ्री में जा रहा है। सो से क्वीन d2 बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन e3, क्वीन कैप्चर्स ऑन e3 और यहाँ पे ब्लैक के पास जो है वो बिशप पे है, उतना ही नहीं है, वो आगे चल के जो है बिशप टू b7 एंड पोन b4 करके बाद में जो है वो इवन d5 पोन ब्रेक अचीव करने की ट्राई भी कर सकता है। बट c takes ऑन d4 के बाद गेम में खेला गया और बिशप कैप्चर्स ऑन d4 एंड नाउ बिशप टू b7 रुक टू e1 और से उसी जगह पे आप बिशप टू b7 के बाद रुक टू e1 की बजाय बिशप टू e3 करके इस पोन को टारगेट करने की ट्राई करते हो, देन क्या होगा देन यहाँ पे ब्लैक जो है b4 खेलेगा पहले और जैसे आप नाइट a4 पे मूव करोगे बाद में जो है वो d5 करके अपना जो वीक पोन है उसको व्हाइट के सेंटर पोन के सामने एक्सचेंज कर लेगा और ये गेम जो है दोस्तों तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। सो बिशप टू b7 एंड नाउ रुक टू e1 एंड नाउ रुक टू c8 रुक को जो है ओपन फाइल पे लिया, बिशप टू f1 रुक का लाइन जो है वो ओपन किया एंड नाउ रुक टू e8 रुक c1। सो दोनों जो है अपने अपने रुक को जो है अच्छी जगह पे प्लेस कर रहे हैं एंड नाउ नाइट टू e5 क्वीन टू b3। सो रुक को कनेक्ट किया बेसिकली एंड क्वीन को जो है वो थर्ड रैंक पे लाए जहां पे वो जो है f7 पे थोड़ा बहुत अटैक कर रही है। इस पोजीशन में ब्लैक ने जो है h5 खेला और ब्लैक ने अपना इरादा साफ किया कि वो आगे चल के h4 भी खेलना चाहता है राइट, और इवन जो है वो किंग साइड ज्यादा स्पेस करने की स्पेस जो है वो गेन करने की ट्राई कर रहा है। और इस पोजीशन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि आपको जो है रुक c2 d1 खेलना चाहिए। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रुक को जो है वो क्वीन की लाइन में रख रहे हैं और यहाँ पे गेम जो है अभी भी इक्वल है। बट h5 के बाद मूव नंबर 18 पे गेम में खेला गया नाइट टू h1 और दोस्तों अब जो है यहाँ से जो गेम शुरू हुई वो व्हाइट के रेजिग्नेशन पे ही अटकी, मतलब अब से जो है काफी जबरदस्त सेक्रीफाइसेज एंड सब कुछ शुरू हो गया। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आप इस पोजीशन में किस तरह से अटैक स्टार्ट करोगे, आपको क्या यहाँ पे व्हाइट के किंग पे कुछ अटैक दिख रहा है कि नहीं। रेडी दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट कैप्चर्स ऑन f3। सो अब क्या होगा कि चेक है, वो दूसरी ओर जो है आपका बिशप जा रहा है सो मारना फोर से, सो पोन कैप्चर्स
एक नाइट तो दिया ही है, अब दूसरा नाइट भी। सो नाइट कैप्चर्स ऑन e4 और ये एक ऐसी मूवमेंट है जहां पे ढेर सारे वेरिएशन पॉसिबल है। सो थोड़ा जो है धीरज रखना, सब कुछ मैं जो है दिखाने वाला हूँ, राइट। और ये जरूरी है दोस्तों, इसीलिए दिखा रहा हूँ। से यहाँ पे आप जो है पहले बिशप कैप्चर्स ऑन g7 करते हो, देन क्या होगा, देन दोस्तों क्वीन टू g5 चेक आ जाएगा। और अगर आप जो है बिशप टू g2 के लिए जाते हो, देन क्वीन टू c5 वहां पे जस्ट विनिंग है, क्योंकि नाइट f2 खेलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, बिशप g2 देन क्वीन टू c5 चेक, नाइट टू f2, अदरवाइज क्वीन f2 मेट हो रही है। सो नाइट f2, क्वीन कैप्चर्स f2, और अब जो है किंग टू h1 खेलना पड़ेगा, जिसके इसमें नाइट टू g3 चेक, ओनली मूव ऑन पुश। और यहाँ पे भी देखिए, जरूरी नहीं है कि हम जो है इस बिशप को कैप्चर करें, हम यहाँ पे रुक कैप्चर्स ऑन e1 खेल सकते हैं, रुक कैप्चर्स e1 एंड देन क्वीन कैप्चर्स ऑन e1 खेल सकते हैं, और वो पोजीशन जो है हमारे लिए जस्ट विनिंग है। सो रुक टेक्स किंग टेक, क्वीन टेक्स, और अब किंग h2 के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप जो इस बिशप को कैप्चर करो, आप यहाँ पे खेल सकते हो h4 और बिशप कहीं पे भी जो है मूव करने की ट्राई करो, से बिशप टू f6, बट देन जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन g3, किंग g1 ऑन पुश, और या फिर जो है बिशप कैप्चर्स ऑन f3 पे, ये पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए कंप्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए दोस्तों बिशप टू g2 के बाद जो है सिंपली क्वीन टू c5 आ रहा था, और मैंने आपको बताया वहां पर कि पोजीशन जो है किस तरह से विनिंग थी। सो से ओके, इसी पोजीशन में आप नाइट टू g3 ट्राई करते हैं, राइट, बट देन क्या होगा, सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन g3, और अगर आप जो है पॉन कैप्चर्स g3 खेलते हो, देन क्वीन कैप्चर g3 चेक आएगा, और बाद में जो है रुक टेक्स ऑन e1, और उधर आपका रुक जा रहा है। सो उस पोजीशन में से आप जो है पहले यहाँ पे ट्राई करते हो टेक्स ऑन e8, बट देन दोस्तों सिंपली रुक टेक्स ऑन e8, और अब जो है अगर आप नाइट को कैप्चर करते हो, देन क्वीन कैप्चर्स ऑन g3 एंड आफ्टर बिशप टू g2 सिंपली जो है बिशप कैप्चर्स ऑन f3 एंड से क्वीन c2 करके आप जो है चेकमेट को सेव करने की ट्राई करते हो, देन बिशप टेक्स g2, क्वीन टेक्स g2, क्वीन e3 चेक, और बाद में जो है रुक भी जा रहा है, सेकिंग h2 एंड हम जो है रुक को कैप्चर करेंगे, और अब इस बिशप को सेव नहीं किया जा सकता, से बिशप h6 तो क्वीन से मार देंगे, क्वीन बिशप टू f6 देन क्वीन जो है f4 पे चेक और जा रहा है। अगर आप जो है बिशप टू d4 खेलते हो, फिर भी सेम चेक एंड बिशप जा रहा है। सो बाद में क्या होगा, क्वीन एंड रुक वर्सेस क्वीन एंड नाइट, और ढेर सारे पॉन। सो ये पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए कंप्लीटली विनिंग थी। सो अब हो गया वेरिएशन के नाइट कैप्चर्स ऑन e4 के बाद क्या होता है अगर बिशप कैप्चर्स g7 खेला जाए, तो वो पॉसिबल नहीं था। अब देखते हैं क्या होता है अगर नाइट कैप्चर्स ऑन e4 खेला जाए, बट देन पहले जो है हम बिशप कैप्चर्स ऑन d4 चेक दे सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप जो है नाइट f2 खेलते हो, नाइट h2 f2, देन क्या होगा दोस्तों, सिंपली रुक टेक्स ऑन c1 आ जाएगा, एंड आफ्टर रुक कैप्चर्स ऑन c1, रुक कैप्चर्स ऑन e4, और आपको जो है पोन से मारना पड़ेगा, एंड देन क्वीन टू g5 चेक आ जाएगा, और यहाँ पे बिशप टू g2 के बाद सिंपली क्वीन कैप्चर्स ऑन c1, और ब्लैक जो है वो कंप्लीटली विनिंग है, राइट। उसी तरह से नाइट कैप्चर्स e4 एंड बिशप कैप्चर्स ऑन d4 के बाद से आप किंग g2 खेलते हो, देन क्या होगा, देन रुक टेक्स ऑन c1 पहले, एंड आफ्टर रुक टेक्स ऑन c1 अगेन जो है रुक कैप्चर्स ऑन e4, एफ कैप्चर्स ऑन e4, बिशप कैप्चर्स ऑन e4 चेक, एंड आफ्टर किंग h3 दोस्तों यहाँ पे जो है जस्ट क्वीन टू d7 एंड गेम जो है काफी जल्दी फिनिश हो जाएगी, से किंग टू g3 एंड क्वीन टू जो है g4 उधर चेकमेट हो रही है। सो नाइट कैप्चर्स ऑन e4 के बाद एक्चुअली गेम में खेला गया एफ कैप्चर्स ऑन e4, और अब यहाँ पे बिशप कैप्चर्स ऑन d4 पहले चेक दिया गया, एंड नाउ नाइट टू f2, और इस पोजीशन में दोस्तों अब जो है क्वीन टू h4 खेला गया। बट उससे पहले देख लेते हैं कि बिशप कैप्चर्स ऑन d4 के बाद इस पोजीशन में से आप जो है नाइट f2 की जगह पे किंग टू g2 खेलते हैं, देन क्या होगा, देन जो है क्वीन टू g5 चेक, और उसके बाद जो है नाइट g3, एंड देन हम जो है पोन पुश टू h4 खेलेंगे, और वहां पे जो है उनका ये नाइट तो जा ही रहा है, और साथ साथ जो है हमारे पास पोन भी काफी सारे हैं, ऑन गोइंग अटैक है। सो ये पोजीशन जो है दोस्तों वो भी ब्लैक के लिए विनिंग है। सो बिशप कैप्चर्स ऑन d4 के बाद गेम खेला गया नाइट टू f2, एंड नाउ क्वीन टू जो है h4, सो आइडिया है क्वीन कैप्चर्स ऑन f2 एंड देन क्वीन g1 चेकमेट की थ्रेट है। सो से आप जो है क्वीन टू c2 खेलते हो, गेम में रुक टू c2 खेला गया, बट अगर क्वीन c2 आता है देन रुक कैप्चर्स ऑन e4, काफी पावरफुल मूव है। क्यों, रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे आप जो है क्वीन से मारोगे तो आपकी क्वीन जा रही है, नाइट से मारोगे तो आपकी क्वीन जा रही है, और अगर आप रुक से मारोगे देन नाउ बिशप कैप्चर्स, और यहाँ पे भी जो है अगर आप क्वीन कैप्चर्स e4 खेलते हो देन गेम जल्दी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि क्वीन कैप्चर्स ऑन f2 चेक, और उसके बाद जो है g1 पे मेट। सो क्या होगा दोस्तों कि आफ्टर बिशप कैप्चर्स ऑन e4 नाइट कैप्चर्स e4 ओनली ऑप्शन रहेगा,
देन जो है रुक कैप्चर्स ऑन सी टू और वहां पे ब्लैक जो है कम्प्लीटली विनिंग है। सो गेम में क्या हुआ कि क्वीन एच फोर एंड अब जो है नाइट को सेव करने के लिए खेला गया रुक टू सी टू, बट नाउ रुक टेक्स ऑन सी थ्री, जबकि कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है रुक सी फाइव जो है वो भी बेटर है, रुक सी फाइव टू रुक टू जी फाइव। बट ये जो है जिस तरह की गेम खेली है यहाँ पे ब्लैक ने उसके साथ जो है मेल खाता है। सो रुक कैप्चर्स ऑन जो है सी थ्री, यहाँ से क्वीन से तो मार नहीं सकते ना ही रुक से मार सकते हो, अदरवाइज क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ टू आ रहा है, सो आपको जो है वो पोन से मारना फोर से। एंड नाउ क्वीन टू जी फाइव, और दोस्तों यहाँ से एग्जैक्टली 10 मूव में जो है वो चेकमेट हो रही है। इस पोजिशन में बिशप जी टू खेला गया, से आप जो है किंग एच वन जाते हो, देन जो है रुक कैप्चर्स ऑन ई फोर जो है ऑन द स्पॉट विनिंग है। रीजन ये है कि हम जो है डिस्कवर चेक देके मेट करना चाहते हैं, नाइट कैप्चर्स में क्या होगा क्वीन टू जी वन मेट हो रही होगी, और अगर रुक कैप्चर्स देन बिशप कैप्चर्स अगेन जो है नाइट कैप्चर्स देन क्वीन जी वन मेट, सो वो भी विन है। सो क्वीन जी फाइव के बाद अब खेला गया बिशप टू जी टू, बट नाउ रुक टेक्स ऑन ई फोर, सो नाइट विन है, सो उसे फिलहाल के लिए मारा नहीं जा सकता। गेम में खेला गया किंग एफ वन, बट से आप यहाँ पे ट्राई करते हो रुक टेक्स ऑन ई फोर, बट देन बिशप कैप्चर्स ऑन ई फोर अभी चेकमेट हो रही है, से अब किंग एफ वन जाते हो, देन क्वीन कैप्चर्स ऑन जी टू चेक एंड से किंग टू ई वन, क्योंकि किंग ई टू जाओगे तो सिंपली वहां पे जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ टू या फिर बिशप कैप्चर एफ टू जो है टोटली विनिंग है। सो यहाँ पे हम पहले देंगे क्वीन टू जी वन चेक एंड आफ्टर किंग टू डी टू सिंपली यहाँ पे खेल देंगे बिशप कैप्चर एफ टू, सो चेकमेट की थ्रेट है। एंड आफ्टर रुक टू सी वन बिशप टू ई थ्री चेक किंग ई टू क्वीन एफ टू क्वीन डी वन एंड क्वीन टू जो है डी टू चेकमेट हो रही है। सो रुक टेक्स ऑन ई फोर के बाद यहाँ पे खेला गया किंग टू एफ वन और अब क्वीन कैप्चर्स ऑन जी टू, बढ़िया सा जो है क्वीन का सेक्रीफाइस, पर दोस्तों चेकमेट जो है वो स्टॉप नहीं हो रही है, चेकमेट ही हो रही है। और व्हाइट सॉरी ब्लैक ने देखो कितना काम किया है, जब उन्होंने पहली बार जो है नाइट कैप्चर्स ऑन एफ थ्री का सेक्रीफाइस दिया था, बाद में जो है नाइट कैप्चर्स ऑन बाद में जो है नाइट कैप्चर्स ऑन ई फोर का सेक्रीफाइस दिया था। सो लाजवाब कैलकुलेशन यहाँ पे जो है वो ब्लैक ने किया है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों ग्रैंड मास्टर जो है अगर वो मेट उनको दिख जाती है तो जो है वो एकदम से जो है डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट मेट भी जो है वो काउंट करने में जो है वो सक्षम होते हैं। यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स ऑन जी टू एंड नाउ किंग कैप्चर्स ऑन जी टू एंड नाउ रुक टेक्स ऑन ई वन, सो यहाँ पे जो है बिशप से चेक है, सो नाइट टू ई फोर गेम में खेला गया। ऐसे आप जो है किंग जी थ्री के लिए जाते हो, देन जो है यहाँ पे बिशप ई फाइव चेक आ जाएगा एंड आफ्टर किंग एच थ्री जस्ट रुक टू ई थ्री चेक एंड आफ्टर जो है किंग एच फोर बिशप टू एफ सिक्स जो है वो चेकमेट हो जाएगी। सो रुक टेक्स ऑन ई वन के बाद नाइट टू ई फोर एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन ई फोर चेक किंग टू जी थ्री और रुक टू जी वन के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है व्हाइट ने रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है किंग एच थ्री किंग एच फोर एंड किंग एफ फोर, अब सब देख लेते हैं। से किंग टू एफ फोर देन यहाँ पे हम खेलेंगे सिंपली रुक टू जी फोर और ये जो है वो चेकमेट हो गई। सो किंग टू जी थ्री रुक जी वन चेक एंड से आप जाते हो किंग टू एच थ्री बट देन बिशप टू एफ फाइव चेक एंड आफ्टर किंग टू एच फोर यहाँ पे बिशप टू एफ सिक्स जो है वो मेट हो रही है। एंड से आप जो है रुक जी वन चेक के बाद खेलते हो किंग टू एच फोर डायरेक्टली बट देन बिशप टू एफ सिक्स चेक किंग टू एच थ्री एंड बिशप टू एफ फाइव मेट हो रही है। सो आप माइट भी ट्राई कर सकते हो कि रुक जी वन के बाद पहले जो है रुक टू जी टू खेला जाए ताकि जो है जब किंग एच थ्री पे जाए तो वहां पे इस चेक में जो है कैप्चर कर सकते हैं। बट देन दोस्तों यहाँ पे सिंपली बिशप टू ई फाइव और अब जो है रुक कैप्चर्स ऑन एच टू का कोई डिफेंस नहीं है और ये पोजिशन जो है वो ब्लैक के लिए कम्प्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए जब किंग जी थ्री के बाद रुक टू जी थ्री चेक रुक टू जी वन चेक ब्लैक ने दिया इस पर्टिकुलर पोजिशन में व्हाइट ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये गेम और ये वीडियो? आई होप ये गेम और ये वीडियो दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।